दोस्तों आजकल ज्यादातर 4K टीवीज के अंदर डॉल्बी विजन आता है और कुछ नॉन 4K टीवीज के अंदर भी डॉल्बी विजन आता है। तो अगर आप एक नया टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं डॉल्बी विजन से क्या डिफरेंस आता है और क्या आपके नए 4K टीवी के अंदर डॉल्बी विजन होना चाहिए या उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम मोटोरोला रेवो 43 इंच 4K टीवी के HDMI पोर्ट में एक फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करेंगे और हम फायर टीवी स्टिक और टीवी की दोनों ऐप्स के अंदर सेम कंटेंट प्ले करेंगे और हम देखेंगे डॉल्बी विजन से क्या डिफरेंस आता है। ये फायर टीवी स्टिक 4K नहीं है, फुल HD है, ये डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करती और मैं नेटफ्लिक्स के अंदर वो कंटेंट प्ले करूंगा जो डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है। दोस्तों मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टेक ट्यूब। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पर मैंने टीवी के अंदर नेटफ्लिक्स ओपन की है और यहाँ पर आप सेटिंग्स में डॉल्बी विजन देख सकते हैं। तो चलिए हम पिक्चर सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि अभी क्या सेटिंग हो रखी है। तो यहाँ पर डॉल्बी विजन विविड प्रोफाइल सिलेक्टेड है और आप बाकी सेटिंग्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डार्क सीन के अंदर देख सकते हैं डॉल्बी विजन में किस तरह की डायनेमिक रेंज हमें मिल रही है। और अब ये फायर टीवी स्टिक के थ्रू मैंने नेटफ्लिक्स ओपन किया है और यहाँ पर डॉल्बी विजन नहीं आ रहा है। चलिए हम पिक्चर सेटिंग्स में चल के देखते हैं और हम यहाँ पर वही सेटिंग रखेंगे जो कि डॉल्बी विजन में रखी थी और हम देखेंगे डॉल्बी विजन से क्या डिफरेंस आता है। तो अगर हम इनको साइड बाय साइड कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में डॉल्बी विजन है और राइट साइड में HDR है। हालांकि कैमरा में उतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है लेकिन नेकेड आइज से यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है उसमें काफी डिफरेंस दिख रहा था और यहाँ पर डार्क एरिया में जो फेस की डिटेल है वो डॉल्बी विजन में काफी बेटर लग रही थी नॉन डॉल्बी विजन के कंपैरिजन में। तो ये एक डार्क सीन का कंपैरिजन था। चलिए अब हम ब्राइट सीन का कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक ब्राइट सीन है और आप इसके अंदर कलर्स देख सकते हैं किस तरह के कलर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये नॉर्मल HDR वीडियो है और यहाँ पर आप डॉल्बी ऑडियो का साइन देख सकते हैं, ऊपर डॉल्बी विजन नहीं आ रहा है। और मैं रिवाइंड करके एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे जाता हूँ जहाँ से हमने वो वाली क्लिप प्ले की थी। यहाँ पर कलर का डिफरेंस है, यहाँ पर एग्जैक्टली वो कलर्स नहीं है जो हमें डॉल्बी विजन में मिल रहे थे। तो आप यहाँ पर साइड बाय साइड देख सकते हैं सेम पिक्चर सेटिंग्स होने के बावजूद भी डॉल्बी विजन में जो कंटेंट है वो काफी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर डायनेमिक रेंज भी काफी ज्यादा है, डार्क एरियाज भी काफी अच्छे से हाईलाइट हो रहे हैं और जो ब्राइट एरियाज हैं वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं और इसके अंदर जो कलर्स हैं वो भी काफी इम्प्रूव्ड हैं। तो ओवरऑल डॉल्बी विजन से काफी डिफरेंस आता है। दोस्तों डॉल्बी विजन कोई डिस्प्ले की क्वालिटी का पैरामीटर नहीं है, ये एक डिकोडिंग टेक्निक है। जिस कंटेंट के साथ में भी डॉल्बी विजन का मेटा डेटा रहता है ये टीवी उसको डिकोड कर सकता है और इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको वीडियो के पैरामीटर्स देखने के लिए मिलते हैं, जबकि नॉन डॉल्बी विजन में आपके टीवी के सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलती है, ये कोई डिस्प्ले का पैरामीटर नहीं है। तो दोस्तों डॉल्बी विजन से कंटेंट काफी इंप्रूव हो जाता है लेकिन डॉल्बी विजन का जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है और वो भी आपको नेटफ्लिक्स के हाईएस्ट प्लान के अंदर ही मिल पाएगा। तो अगर आप एक नया टीवी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप डॉल्बी विजन को उतनी प्रायोरिटी ना दें जितना कि और फीचर्स को। लेकिन अगर आपको सेम फीचर्स के अंदर डॉल्बी विजन मिल रहा है तो आप डॉल्बी विजन को प्रायोरिटी दे सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट्स में तो ये इम्प्रूवमेंट दिखाएगा ही। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।